नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अप्रैल मंथ 2024 के करंट अफेयर देख रहे थे, जिसमें हमने चार सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है। तो आप चार सेक्शन देख सकते हैं। ये है पांचवा लेक्चर करंट अफेयर पे, पांचवा क्लास है अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में, जिसमें हम आज डिफेंस पोर्शन कंप्लीट करेंगे। डिफेंस में भी लगभग चार से पाँच ही है पूरे मंथ में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एग्जाम में सभी चीज नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में मोस्टली वही पूछा जाता है कि जो न्यूज में रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं हो रहा है वो एग्जाम में पूछ लेगा, जो न्यूज में काफी दिन तक बना हुआ है या उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ। तो समझदारों के लिए सारा ही काफी है। अगर पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो पढ़ने के लिए न्यूज पेपर है, डेली पे पढ़िए, 20 पेज 15 पेज, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सेक्शन को आज हम कंप्लीट करेंगे। डिफेंस में अगर पहला हम देखें तो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, अभी डीआरडीओ का, जो वहां पर डीआरडीओ का कानपुर में, वहां पर सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया, कानपुर में स्थित उत्तर प्रदेश बनाया गया। ये डीआरडीओ विकसित हुआ है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड में इजराइल की सी डोम रक्षा प्रणाली, ये अभी इजराइल ने अपना सी डोम रक्षा प्रणाली को फिर से तैनात किया है। कहां पर? एल्ता इजराइल, एल्ता इजराइल में तैनात किया है सी डोम रक्षा प्रणाली, एल्ता इजराइल। नेक्स्ट में बात करें तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित 15,000 हॉर्स पावर, अगला है भारत का पहले स्वदेश निर्मित 15,000 हॉर्स पावर इंजन का पहला परीक्षण कहां पर हुआ? BEML मैसूर। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित 15,000 हॉर्स पावर BEML मैसूर में परीक्षण किया गया है, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा करंट पर। पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली क्या है? इग्ला एस है, इग्ला एस, इसे इग्ला एस, इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली, ये जो है रसिया से मिला है। तो 24 रूस निर्मित इग्ला एस, रूस के द्वारा दिया गया है इग्ला एस वैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को प्राप्त हुआ है अभी हाल ही फिलहाल में। तुर्की का पहला पांचवी जनरेशन का लड़ाकू विमान KAAN, तो ये पूछा सकता है एग्जाम में कि KAAN है क्या? तो KAAN कान जो है तुर्की का पहला पांचवी जनरेशन का लड़ाकू विमान है, और इसने जो है उड़ान जो है उत्तरी अंकारा एयरबेस से भरा है। तो पहला उड़ान इसने सफलतापूर्वक भर लिया है उत्तरी अंकारा एयरबेस से। क्या नाम है? KAAN कान, तुर्की का। तुर्की का कैपिटल कहाँ है जरा बताइएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है इस पूरे मंथ का वो ये है, संयुक्त अरब, संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024। सी डिफेंडर जो हुआ पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में हुआ है, अपने यहाँ पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में सी डिफेंडर 2024। इसमें भारतीय और यूएसए का कोस्ट गार्ड तटरक्षक ने मिलकर किया है, तो इंडिया और अमेरिका के तटरक्षकों ने मिलकर के सी डिफेंडर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है डिफेंस, मोस्टली पांच या छह छह करंट अफेयर हैं, और मोस्टली यही मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।